भाई हैं क्या? भाई अंदर है। नमस्ते भाई। हाँ, कौन हो तुम? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन भाई बोलोगी तो मुश्किल है। ठीक है जीजा जी, आपकी मदद चाहिए, कर दो ना प्लीज। इस तरह प्यार से पूछोगी तो मदद तो क्या, अपनी जान भी न्योछावर कर दूंगा। तुम बस हुक्म तो करो। कोई भी खूबसूरत लड़की विशंबर राव के दरबार में आए और खाली हाथ चली जाए, ऐसा नामुमकिन है। जीजा जी, जरा मेरी फिगर को देखो, एकदम मस्त है ना? लेकिन जब मेरा एक्शन देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। ये प्रॉपर्टी विशंबर राव की, ऐसा तुम्हारी टी शर्ट पर लिखवा दूंगा। लेकिन बेचारी दीदी को बुरा लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, इसे इन चीजों की आदत हो गई है, रोज का चक्कर है ये। यानी वो बात बिल्कुल सच है। कौन सी बात? आपकी पत्नी को भी कई लोगों ने रिजर्व किया हुआ है। आपकी नजर हटते ही वो दीदी के साथ नैन मटक्का करते हैं। सब दीदी के दीवाने हैं। क्या ये सच है? बच्चा और औरत? रुक जाओ। अपनी पत्नी के आशिकों के बारे में पता चला तो तुम एकदम से आग बबूला हो गए। सोचो उन गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा जिनकी जमीन तुमने हड़पी है। उन्हें तो यहाँ आकर तुम्हें मार डालना चाहिए। तू है कौन, जल्दी बता मुझे। भाई तो तुम बोलने नहीं देते हो। जीजा कहा तो मदद के लिए तैयार हो गए, अब परेशानी बता दी है तो मदद करो। लगता है तू कोई प्रेस रिपोर्टर है या फिर CBI से। मेरे बारे में इतना जानकर तुम क्या करोगे? समंदर में जब छोटी मोटी लहरें उठती है ना तब मजा आता है, लेकिन जब सुनामी आती है ना तो हार्ट अटैक हो जाता है। जब CM को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है उस जमीन से? कौन है तू? तू है कौन? चंडी। गरीबों को दी हुई जमीन जो तूने उनसे हड़प ली है ना, उसे लौटा दे। वो जमीन हैदराबाद शहर के बाहर हुआ करती थी, लेकिन आज वो इसी शहर का हिस्सा बन गई है। तूने तो और भी जमीनों पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन वो लोग अमीर लोग थे, पर ये बेचारे गरीब जाए तो कहाँ जाए? बस कंडक्टर, प्यून, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से ये जमीनें खरीदी हैं। और वो जमीन मैं तुझे हड़पने नहीं दूंगी। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार में तुम जैसे नेताओं ने छोटी सी जमीन खरीदना मुश्किल कर दिया है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझ पर हजारों लोगों का हाथ है, सरकार हमसे चलती है। अगर अपनी पर आ जाऊं तो सरकार गिरा सकता हूं, मेरे पास वोट बैंक है, और तू मुझे डराने आई थी? जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गोली मत चलाना। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। सारी नेतागिरी एक बार में निकल गई, पहले गन तेरे हाथ में थी, अब मेरे हाथ में। आज सारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो एक बड़ा सा सर दर्द बन गया है, अब और नहीं। लौटाएगा? सारी जमीन लौटा दूंगा, आज ही सारी जमीन लौटा दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ठीक है जीजा जी, एक और रिक्वेस्ट है, आप CM को फोन लगाकर कह दीजिए प्लीज। सर फोन किसका है? सुनिए CM साहब, वो गरीबों की जमीन में लौटा रहा हूँ, मुझे वो जमीन नहीं चाहिए। सच में? अचानक ये फैसला कैसे? आज मेरे सपने में देवी माता आई थी, उन्होंने कहा अगर आज मेरी जमीन नहीं लौटाई तो मेरा वध कर देंगी, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। कौन सी देवी आई थी? चंडी देवी, साक्षात चंडी। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आपकी जमीन आपको वापस मिल गई। गुड, तुमने गरीबों की जमीन का मामला बहुत अच्छी तरह सुलझा दिया और दिखा दिया कि औरत क्या कर सकती है। बड़ी बड़ी बंदूक के भी एक औरत के सामने चलना भूल जाती हैं। लगता है अब तुम इस खेल में माहिर होती जा रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सवाल ही नहीं उठता, तुम तो अन्यायियों को सबक सिखा रही हो। इंसानों को सबक सिखाते सिखाते कहीं भगवान ना नाराज हो जाएं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान इंसान का रूप लेकर उसे खत्म करने प्रकट होते हैं। तुम भी वही कर रही हो, इस लड़ाई को जारी रखना होगा। मासूमों और बेगुनाहों की रक्षा करने वाले लोग आगे चलकर योद्धा या लीडर कहलाते हैं। ट्रेनिंग में अगर टारगेट चूक जाए तो तुम्हें और मौके मिलते हैं, लेकिन जंग के मैदान में
अगर टारगेट चूक जाए तो तुम खुद टारगेट बन जाते हो। टेक दिस गन, ऑल द बेस्ट। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश में गुंडे राज करते हैं, गुंडे एमएलए बन जाते हैं, एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर गुंडा सरकार मुर्दाबाद, 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 गुंडा सरकार मुर्दाबाद, 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 लैंड माफिया मुर्दाबाद, 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 मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो, सब स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, सबको खत्म कर दूंगा। पहले भाई से बात करने दे। आपका ड्रिंक सर। भाई, स्टूडेंट लोगों की चिल्लम चिल्ली बहुत बढ़ गई है। जितना जल्दी हो इंडिया आ जाओ भाई। ओके ओके। भाई नमस्ते। बहना, जीजा जी आ गए। देसी घी से इनकी आरती उतारो अच्छी तरह। ये धुआं उड़ाना बंद करो, जमाने के साथ तुम भी बदल जाओ। अरे महेश, सांप को ठंडा पानी दो। तत्काल में इंडिया क्यों बुलाया? यहाँ के गरीब वर्कर्स का मामला तो हल हो गया भाई, लेकिन कोस्टल बेल्ट का मामला नाक में दम कर रहा है। ये प्रॉब्लम तू भी सुलझा सकता था। ऐसे कैसे सुलझा सकता था भाई, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसे जितनी सुलझाओ उतनी उलझती है। सारे स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें यहाँ के पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को अपनी गलती सुधारने के न जाने कितने मौके दिए, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की इस गलती को सुधारने के लिए एक भी मौका नहीं देने वाला। एसीपी को एक मिस्ड कॉल दे। हेलो सर। मेरी लाइफ को स्टूडेंट से खतरा है, तुम सिर्फ तमाशा ही देखते रहोगे या कुछ एक्शन लोगे? आप कहें तो उन स्टूडेंट्स का एक एक करके एनकाउंटर करवा दूं। पागल हो गए हो क्या? बैंकॉक जाके आराम से मसाज के मजे लो। जो दुनिया में पैदा होता है उसे मरना भी तो पड़ता है, और जो मर जाता है वो फिर से नया जन्म भी लेता है। इन स्टूडेंट्स के नए जन्म का शुभ मुहूर्त मैंने तय कर दिया है। तुम बैंकॉक में जाकर आराम से मसाज करवाओ, शॉपिंग करो, बस हैदराबाद को कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो। स्टूडेंट्स का काम तमाम करके मैं उनके लिए नर्क के दरवाजे खुलवा दूंगा। मैंने सुना था अकलमंद स्टूडेंट्स अक्सर जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं। डॉक्टर बने तो वेरी गुड, इंजीनियर बने तो सुपर, अगर बिल गेट्स बने तो छकास। पढ़ाई लिखाई करके तुम लोग कुछ बन जाओ, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो समय की बर्बादी? मुझे कारावास भिजवा के तुम लोग अमर नहीं हो जाओगे बल्कि मर जाओगे। तुम जानते हो कि पुलिस चुपचाप अपना काम कर रही है, कानून भी अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो तुम बेकार में उंगली बाजी क्यों कर रहे हो? अब देखते हैं इन शागिर्दों को बचाने इनके कौन से उस्ताद आते हैं। कलेक्टर का कत्ल करने के पीछे किस लड़की का हाथ है ये पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, इसलिए सरकार इस मामले की छानबीन के लिए ये केस सीबीआई को सौंप रही है। पुलिस डिपार्टमेंट सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है, जो दिखता है वही रिकॉर्ड होता है। तुम्हारे लिए फिलहाल इस शहर को छोड़ के जाना ही ठीक होगा। मैंने संगम अपार्टमेंट में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। थक गए। काली माता की जय। नवरात्रि आ गई। ठीक है चलो। हाय, मैं हूँ आपकी दोस्त रागनी। आ
आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम इस वक्त खड़े हैं संगम अपार्टमेंट्स में, जहां शहर के बहुत ही खास लोग रहते हैं। अब हम आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवाल करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। भाई साहब, आपका नाम? प्यार का मारा चेरी। ओह, तभी आपने लाल जैकेट पहनी है। ये लाल रंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ओह, प्यार के ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। प्यार की सीढ़ी जो चढ़ते हैं वो कभी उतर नहीं पाते। आई लव लव। आपको कभी प्यार हुआ है? अब तक तो नहीं, लेकिन लगता प्यार कर लूं। मेरा नाम क्या है? चेरी। तो मुझे चाहिए ब्लैकबेरी। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आपको ब्लैकबेरी मिल जाए। चाचा, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ किसी को कोई शक नहीं होगा, आ जाओ। मेरा नाम है लकी, सारा शहर मुझे लिकर बॉय कहता है। प्यार जितना नशा शराब में नहीं होता है। अगर लड़की हाय बोले तो प्रेमदास, बाय बोले तो देवदास। ओह, तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? आंखें एकदम बड़े बड़े, ललिता पावर जैसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट एकदम भयानक मनोरमा जैसे, कमर बोले तो एकदम टोन टोन जैसे, मतलब कमरा। ऐसी लड़की चाहिए जो दूर से देखने पर भी खाते पीते घर की लगे। अगर तू तो तगड़ी लड़की क्यों चाहता है? गद्दा नहीं खरीदना पड़ेगा ना। लव मतलब एक फैबुलस फीलिंग, नो वर्ड्स टू टेल एंड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सीधा बोलो ना, 6 पॉइंट वाला लव चाहिए। 6 पॉइंट वाला? मैसेज से वेकअप, लवर के लिए मेकअप, बाइक पे पिकअप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का क्लीनअप, ठन ठन गोपाल हो जाए तो ब्रेकअप, उसके बाद दूसरे लड़के के साथ। यू शट अप। मैम, आपकी बारी। मेरा नाम है भारती और मेरे पति का नाम है भरत। उनके अलावा सभी भारतीय मेरे भाई बहन। और मेरे बेटे का नाम है सारथी। नो मम्मी, लकी। दोनों का मतलब एक ही है। ओ, आपका नहीं, पापा का भी। यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? चलो घूम के आते हैं। अरे ओ कैमरे वाले, सर अपना कैमरा इधर भी घुमा के देखो ना। ये लॉन्ड्री वाली, इसका पुरुष यानी पति छोड़ के भाग गया, लेकिन ये स्त्री मस्त करती है। ए, मैं कब से देख रहा हूँ, उन सबसे तो सवाल पूछ लिया, इन लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन मैं खड़ा का खड़ा रह गया। अरे मेरा नहीं तो मेरे कोट का तो ख्याल कर लो। ये क्या मैडम, आपने चेरी से पूछा, बेवड़े से पूछा, इस आंटी से पूछा। आंटी बोला, चप्पल निकालो क्या? ओए लकी, मेरा लक चमक गया। तुम उसके भाई हो क्या? उसका नाम क्या है? तुम्हारी बहन का नाम? चंडी। चंडी, चेरी, कब बनेगी हमारी जोड़ी? अबे उड़ मत ज्यादा, दोस्ती होने से पहले टूट जाएगी। ये रहा आपका कमरा। थैंक यू, मैं चलता हूँ। नमस्ते, टू टाउन पुलिस स्टेशन बोलिए। मिनिस्टर ने 4 स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया और तुम चुपचाप आराम से पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हो, क्या इसीलिए वर्दी पहनी थी? इससे तो अच्छा होता कि तुम उस मिनिस्टर के तलवे ही चाट लेते। ओ मैडम, क्यों कर रही हो दमदम? दमदम छोड़ और मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले। क्यों मैडम, आप ही शहर की नई ACP है ना? मैडम, मैं हूँ गब्बर सिंह। मैडम आपने मुझे जाना नहीं, जाना तो पहचाना नहीं, मेरा डबल कैरेक्टर है। एक तरफ मैं शोले का गब्बर हूँ तो दूसरी तरफ शोले का ठाकुर। आपका मतलब समझ गया मैं। गुड। कहाँ जा रहे हो सर? चल चल रे नौजवान, चल चल। चाहे मर्डर की इंफॉर्मेशन आए या फिर कोई फेक कॉल, हमारा फर्ज बनता है कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के छानबीन करने का। संतरी हो या मंत्री, मौसमी हो या नारंगी, सबकी हिफाजत पुलिस करती है। शोले में जैसे गब्बर के साथ सांबा था, ठाकुर के साथ रामलाल था, उसी तरह लक्ष्य को हर हाल में पाना चाहिए। बॉयज मूव। आपको मूव लगाना है सर? वो रात में लगाना, अभी बंदूक निकाल। वो आएगी? नहीं आएगी। इतना हिला मत यार, पंखड़ियां गिर जाएंगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने दिल का हाल बताना ही होगा। वो हाँ बोलेगी ना? बैग लगा, जबरदस्ती हाँ बोला। ऐसा
जैसे ड्रिंक और ड्राइव डेंजरस होता है, वैसे ड्रिंक और प्रपोज भी डेंजरस होता है। वैसे ग्रीटिंग कार्ड कैसा रहेगा? एकदम चीप। गिफ्ट कैसा रहेगा? पैसे की बर्बादी। सोने की चूड़ियां? काई को, शादी है क्या? साड़ी बढ़िया रहेगी। वो सॉरी बोले तो फिर क्या होगा? चेरी डोंट वरी। हटना रे चेरी, ये फूल मेरे लिए? ये 10 रुपए का फूल मैं तुझ पे बर्बाद कर दूं, इतना फूल दिखता हूँ क्या? ये लाल गुलाब मेरी साड़ी से मैच करता है। क्या कहा? मैं लगा लूं? जबरदस्ती। एक मिनट जरा हटना, चिपको कहीं की।